वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज द सेकंड वीडियो। और पिछली वीडियो में भी हमने सॉल्व किए थे दो क्वेश्चंस ऑफ द जेई एडवांस एग्जाम। ये भी पेपर टू में से ही है, जो पिछला भी था वो भी पेपर टू में ही था। एंड दिस वाज दैट वर क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एंड दीज आर फर्स्ट एंड आई थिंक सेकंड क्वेश्चन जो हम इसके बाद करेंगे। एंड लेट्स रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म बाय टू चार्जेस। तो ये सिचुएशन है, हमें डायग्राम भी उन्होंने ड्रॉ करके दी है। सो यू आर वॉचिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उससे जो डायपोल बना है दैट इज एट सम पॉइंट। एंड उसके हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, तुम देख सकते हो कोऑर्डिनेट गिवन है 0.2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज 0.-2। ओके, सिमिलरली Its position is now changed and it is shifted to -1.2 millimeter and then 1, -2 millimeter. Okay, तो उसकी position कुछ ऐसे change हो गई है। Okay, and there is some point P which is of coordinate 100.100 millimeter. Okay, and we are going to find what is a new potential due to the new orientation. तो जैसे हमने शिफ्ट किया था ओरिजिनल पोजीशन से, जब ये ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर यहां पर पहुंच गया, देन व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल। ओके, सो व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल ऑफ द दिस डायपोल। तो ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखी है, यू कैन सी। एंड यहां पर एक ट्रिकी पार्ट जो हिडन है इन दिस क्वेश्चन, एंड वैसे क्वेश्चन आसान है बट वो एक ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो जब मैंने पहली बार ये सॉल्व किया था तो आंसर मेरा भी मैच नहीं हुआ था, बट आफ्टर सम ध्यान से देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या निकली कि हम मानते हैं कि जब भी ओरिएंटेशन चेंज होता है देन इट्स लेंथ इज नॉट चेंज्ड। ओके, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहले ओरिएंटेशन थी 0.2 एंड नाउ ओरिएंटेशन इज -1.2 एंड 1, -2। ध्यान से देखोगे तो लेंथ में कुछ चेंज आया है, तो मैग्नीट्यूड बदलेगा इस क्वेश्चन में, किसका, दिस डायपोल का। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल पोटेंशियल ढूंढते हैं, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल। ओके, यू माइट बी सीइंग दिस दैट दिस इज एंगल 45 डिग्री। Why? क्यों? क्योंकि अगर तुम ये देखोगे, this is the base and this is the perpendicular. This is of 100 millimeter and this is also 100 millimeter, जो ये perpendicular है, तो ये 45 degree होगा, तो ये भी इतना angle भी 45 degree होगा। और हमें angle पता होना चाहिए between this line, this I am saying this OP line and this the axis of this dipole which is name देता हूं AB, AO, okay? AO और OP line में कितना angle है that matters and that is 45 degree because its potential is KP cos 45 degree by R square, okay? ठीक है, तो इसमें value किसकी put करेंगे हम, P की। value कितनी है, 2 into 2 Q, that is 4 Q, and this is by √2 R². This is the final, this is the initial potential we have found. 4 Q कैसे आया? Because Q is the, we know what is the formula, it is 2 QA, और यहां पर A है 2, A की जो value है that is 2, ठीक है, तो 2 into 2 4, this is the value. And what is the formula of the potential due to the dipole, we know it is KP cos theta by R². तो मैंने theta की value put की है, okay? This is the first equation we got. अब जो नया situation बनेगी उसके लिए जो potential होगा that is V0-, okay? Formula will be remaining the same. Formula remaining same, K का K रहेगा, but यहाँ पर एक मैंने जो पहली बार गलती की थी, यहां पर मैंने P लिखा था बट यहां पर P प्राइम आएगा बिकॉज इट्स वैल्यू विल बी अगेन चेंज्ड एंड कॉस। अब देखो एंगल कितना बन रहा है, अब एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा एंगल,
तो ये वाला डायपोल है हमारा, लेट्स से दिस इज कुछ नाम दे दो इसको एम एन, ओके ठीक है। जो ओरिजिनल डायपोल था वो ए बी था, और जो फाइनल जो ओरिएंटेशन के बाद जो डायपोल बना है उसका नाम मैंने रख दिया एम एन। तो ये एम एन का जो थीटा है, ये वाला थीटा, व्हाट इज दिस थीटा, बिकॉज अब जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा प्लस 45 डिग्री, थीटा प्लस 45 डिग्री बाय आर स्क्वायर, बिकॉज आर इज स्टिल रिमेनिंग द सेम, ओके आर तो सेम ही है इसमें, ओके। सो व्हाट इज पी डैश, पी डैश अगर तुम देखोगे दिस इज वन, इफ आई शो विद दिस अनदर पेन, सो दिस इज वन, बिकॉज ये वन कॉर्डिनेट है इसका, तो वन इसकी मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज टू एंड दिस इज रूट फाइव, बिकॉज वन पाइथागोरस थ्योरम, एंड वट इज देयर फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इस ट्राइंगल में देखो एम ए ओ ट्राइंगल में वट इज कॉस थीटा, दिस इज बेस, वट इज बेस, बेस इज टू बाय रूट फाइव, हियर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज वन बाय रूट फाइव, ओके, एंड देयर फोर वी नो वाई फ्रॉम दिस दैट कॉस थीटा से पता लगता है बी इज टू, बेस इज टू एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट फाइव, ओके। सो एंड वी ऑल्सो नो वट इज पी, दिस इज वन, सो यहां पर जो थीटा बनेगा, ओके यहां पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज ये जो थीटा बन रहा है इस, अच्छा थीटे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले देखो पी डैश कितना होगा, डायपोल मूवमेंट कितना होगा, न्यू डायपोल मूवमेंट होगा, दैट इज देखो ये अगर रूट फाइव है, दिस इज ऑल्सो बी रूट फाइव एंड दिस इज टू क्यू ए, एंड वट इज वैल्यू वी विल गेट, वी विल गेट रूट टू इंटू फाइव, टू रूट फाइव टाइम्स क्यू, ठीक है, टू रूट फाइव, दिस इज आर न्यू डायपोल का मैग्नीट्यूड, एंड वी कैन राइट कॉस थीटा प्लस 45 डिग्री एज कॉस थीटा साइन 45 डिग्री माइनस, सॉरी कॉस आना था यहां पर, कॉस आना था माइनस साइन थीटा एंड साइन 45 डिग्री, अग्री, ये हमने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लिखा दिया ओवर आर स्क्वायर, ओवर आर स्क्वायर। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो, वी नो कॉस थीटा वैल्यू फ्रॉम हियर, वी नो ऑल्सो द साइन थीटा वैल्यू फ्रॉम हियर, ओके, तो हमें मिल जाएगा यहां पर वी नॉट डैश इज इक्वल टू के टाइम्स टू रूट फाइव क्यू, और अगर तुम इसको करते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है टू रूट टू बाय रूट फाइव, यहां पर आना नहीं है बिकॉज यहां पर मैं डिस्प्ले इसको हटाना पड़ेगा मेरी फोटो को, ओके, सो दिस इज टू बाय रूट फाइव टाइम्स कॉस 45 डिग्री, इट इज वन बाय रूट टू माइनस साइन थीटा, दैट इज वी नो वन बाय रूट फाइव, एंड ऑल्सो दिस इज वन बाय रूट टू, सो वी विल गेट ओवर आर स्क्वायर, ओवर आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकलता है यहां से, जहां से कॉमन निकलता है के टू रूट फाइव क्यू बाय रूट टू आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया वन बाय रूट फाइव, ओके रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल आउट, सो वी विल गेट वी नॉट डैश एड्स के, अच्छा इसको हम बना सकते हैं फोर क्यू, बट नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट टू से, सो आई विल गेट, सो आई विल गेट नाउ इट इज वी नॉट बाय टू, वी नॉट बाय टू, अग्री, बिकॉज ये बाकी सारा चीज इट इज इक्वल टू वी नॉट, सो वी नॉट बाय टू, सो आर करेक्ट आंसर वुड बी वी नॉट बाय टू, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो एक ही ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में थी, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट विल चेंज, तो उसका बस ख्याल रखना था, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो एक्सपेक्ट तो हम करते नहीं ऐसे क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द डायमेंशनलिटी, एंड दिस इज
given question about the Young modulus. This is expression. Let me write this expression. Y is equal to C alpha, H beta and G gamma. Okay, यही है. Okay. And C is the speed of light, H is the Planck constant and G is the universal Newton's जो constant है वो है. Okay. And we know what is the value of alpha, beta and gamma. Y is the Young modulus. So we know what is Y. It is F in by A and L over L. And we know this is having the same constants, मतलब dimensions होंगी इनके. So what is the Y का जो dimensional formula निकलता है हमसे, वो निकलता है ML T minus 2 by L square. So we will get M1 L minus 3 T minus 2. So this is the dimensional formula for the Young modulus. Okay. So what we will get? So अब इसको हमने इक्वेट करना है सी अल्फा से. सो हर एक के हम डायमेंशनल कांस्टेंट बनाएंगे, डायमेंशनल उसके यूनिट्स लिखेंगे. तो व्हाट इज फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज एम जीरो एल टी माइनस वन, यू नो ऑलरेडी. ओके. एंड व्हाट इज एच, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड वी नो ई इज एच न्यू, और न्यू मीन्स 1/T. सो एच का जो डायमेंशनल कांस्टेंट इससे बनकर आएगा एनर्जी टाइम्स टाइम. So I will get here m l t minus 2, ये 2 for the energy. And what is t, t plus कर दोगे यहां पर आ जाएगा minus 1 और यहां पर beta power. And what is g, we know g, it is f r square by m square. So it is simply m l t minus 2 and r square, it is cube ml3 and m minus or square ho jayega to ye ban jayega m square and minus 1. So this is gamma. So we are going to solve this. So minus 1 is equal to equate karenge and we will get alpha plus beta minus gamma, first equation. Second equation, अच्छा ये तो जीरो बन गया ना, ये जीरो था, सॉरी फॉर दैट, ये तो जीरो था. अल्फा टाइम जीरो मास का अगर हम इक्वेट करेंगे. सिमिलरली अगर हम लेंथ के जो पावर्स है उनको इक्वेट करते हैं, वी विल गेट माइनस 3 एंड अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ओके. सिमिलरली अगर टाइम के यूनिट्स को करते हैं देन माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस 2 गामा. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. इन सभी को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट दिस आंसर, अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस 2. बट कॉन्सेप्ट वाइज वी शुड बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज share to this other your friends and patte raho and thank you very much.